अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अभी मैंने ये बैग पहना है, पता क्यों? क्योंकि आज अरसलान भाई और नूर को गुड बाय करने का टाइम आ गया, क्योंकि ये दोनों ना वापस अपनी कंट्री जा रहे हैं अमेरिका। आज की वीडियो मैं रात के टाइम से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इनको सी ऑफ करने का टाइम आ गया। रात के ना तकरीबन 11 बज रहे हैं, सुबह के यार बिजी थे इसलिए इतना कोई रेड शेड नहीं हुए, शावर वगैरह नहीं लिया, बस थोड़े से ना गंदा हुआ हूँ। पर अभी टाइम आ गया इन दोनों को सी ऑफ करने, कोई टाइम नहीं हुआ सी ऑफ करने का। ये देखे मैं अपना फोन चार्जिंग, नूर कब आया और कब चला गया, इतनी जल्दी टाइम हो गया नूर के जाने का। नूर थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए आया था, पहली बार ऐसा हो कि नूर थोड़ी देर के लिए आया था, अब नूर के जाने का टाइम आ गया। इतना एंजॉय हम नहीं कर सके क्योंकि बिजी था हम। खैर इंशाल्लाह नूर से वादा किया है, नूर में से वादा करके गया कि नूर ने इंशाल्लाह दिसंबर सर्दियों में अच्छे मौसम में ज़रूर आएगा। अभी ये मैंने नूर का बैग पहना हुआ है, नूर बस रेडी होकर निकलने वाली है हम घर से बाहर, और अभी ये नहीं पता कि कौन कौन नूर को छोड़ने जा रहा है। खैर वीडियो से करते हैं स्टार्ट, देखते हैं यार। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि मैं भी इन दोनों को ना लोअर एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाऊँ, बाकी मैं आपको साथ साथ अपडेट देता रहूँगा। खैर आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट, बाहर चलते हैं। उमर शोर ना बचाओ, उमर ये बैग उठा के रखो अंदर, ये वाला भी। ये भी रख दे। मानो ये सारा डर जाने से पहले ना कार को अच्छी तरह चेक कर रही हैं, पानी सैनिट पूरा कर रही हैं, क्योंकि ये गाड़ी आज सुबह दो दफा लाहौर से आई है। अच्छा बस मैं तो नूर वगैरह को छोड़ने जा रहा हूँ लाहौर एयरपोर्ट। एक बैड न्यूज़ ये है कि सुफियान को हमने दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि थोड़ा हम पीछे तंग हो रहे थे। पर जो से हमारी दूसरी कार है ना वो सियालकोट एरिया है, वो नहीं बस यहाँ तक है साथ, अब वापस चलेंगे। अभी हम किसी ट्रक स्टॉप पर रुके हैं और कुछ हल्का फुल्का खाने पीने के लिए पकड़ते हैं। वैसे अफसल भाई ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए हैं। उस साइड में हमारी घर पर पार्क है और उसके अंदर ना हवा चेक कर रही है। एयरपोर्ट इतना पता नहीं क्यों रश है, बहुत रश है एयरपोर्ट। फर्स्ट टाइम इतना रश देखा एयरपोर्ट। अच्छा बॉयज़ अरसल भाई को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद हम किसी कॉफ़ी शॉप आए हैं, और जैसे बॉयज़ ने शेक वगैरह पकड़े हैं। मैंने ये वगैरह लिया चॉकलेट का,
इधर हम इतनी देर नहीं रुक रहे क्योंकि अरसल भाई को, अच्छा मैं फ्लैट्स का आपको बताना भूल गया, हमने पहले अरसल भाई को ड्रॉप किया और उसके हमने तकरीबन 10 घंटे बाद ना नूर को ड्रॉप करने हैं, 10 नहीं 8 घंटे बाद नूर को ड्रॉप करने, क्योंकि दोनों ही फ्लैट्स में नहीं जा रहे, तो थोड़ी देर बाद ना नूर को भी सी ऑफ करते हैं। अच्छा वो आज नूर को लगी हुई थी भूख, इसीलिए हम ड्राइव करके, सारा कुछ ना क्लोज हुआ है, हम ड्राइव करके ना आए हैं फेस टाइप और इधर किसी रेस्टोरेंट में आए हैं और इधर नूर ने ऑर्डर किया और साक्षी ने ऑर्डर किया, पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ आ गई है, इनकी जो स्टेक है ना उसके ऊपर मुर्गी टाइप कुछ बना हुआ है तो बड़ी देखने में फनी लग रही है। मैंने यहाँ पर अपने फ्राइज सिर्फ ऑर्डर किए हैं क्योंकि मैं बिल्कुल फुल हूँ, बाकी ये लोग स्टेक वगैरह खा रहे हैं, ये खा के तो फिर आगे चलते हैं। हाथ लग गई, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, बस हाथ पास रखी। हां जरूर ये ना इसके लिए भी एक जीबी है। 20 मिनट्स लेटर एंड बॉयज ने यार इतना सारा खाना बचा दिया, मैं इनको कह भी रहा था इतना खाना ना ऑर्डर करें। गाड़ी ये खड़ी हुई है, चार बज गए, हल्की हल्की रोशनी होना स्टार्ट हो गया और वो बॉयज मुझे छोड़ के पता नहीं कैसे चले गए। रात के 4 बजे मैं मार्केट में रश देखें, फिलहाल मैं बॉयज़ को ढूंढ रहा हूँ, गाड़ी से तरफ खड़ी हुई अभी तक उनका नहीं पता चल रहा। बॉयज़ मिल गया, इन्होंने शेक पकड़े हैं, शेक पकड़ के अभी पी रहे हैं और वापस कार की तरफ जा रही हैं, इधर से बैठते हैं और आगे चलते हैं। कहीं रात को फेस फाइव से घूमने के बाद हम घर वापस आए थे लेट नाइट और तकरीबन 2-3 घंटे यार घर रहे हैं डिफेंस वाले और अब उठे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि नूर ने 7 बजे एयरपोर्ट पहुँचना था, इसमें 7-7 का टाइम हो गया, अब जल्दी से पर सफ़र करने का नहीं दिल कर रहा, दिल बड़ी ज़बरदस्त नींद आई हुई है सारों को, अब जल्दी से यार एयरपोर्ट चलते हैं और जाके नूर को सी ऑफ करते हैं। नूर को भी कर दिया है टाटा बाय बाय, बाकी यार दोनों का सफर सेफ रहे और सुकून से जाएं अपने अपनी मंजिल पे, अभी जैसे हम सीधा अपने घर वापस। Approximately 10 hours later. साकिब के घर जाने के बाद थोड़ी देर उधर में बैठा, खाना शाना खाया और घर वापस आ गया था कि अपने मन थोड़ी बहुत नींद पूरी की। अभी रात हो गई है और मैं भी शंकी के साथ हूँ, शंकी खरबूजा ले गया, शंकी के लिए खरबूजा खाता है मेरा शंकी, शंकी ये पकड़ो, पकड़ के हैंडी में, ये ना किसी चीज़ को हाथ में पकड़ने से चिपचिप महसूस होती है ना, जैसे मुझे थोड़ी बहुत एलर्जी है अगर मैं किसी आम को पकड़ूँ, कोई मिठाई वगैरह रसगुल्ला वगैरह, बिल्कुल ना इसी तरह इसको एलर्जी है, कोई मीठी चीज़ नहीं पकड़ता उसके बाद हाथ चिपकती है, अगर इसको मैं पकड़ा दूँ ना तो बाद में हाथ भी अपने साफ करता है ऐसे ऐसे करके, कोशिश करता है कि हाथ भी धोता है नलका खोल के ना। अभी हमने देखा ये इस चीज़ को हाथ नहीं लगा रहा खरबूजे को, खरबूजा इसका गिर गया इधर, पर ये अभी भी नहीं पकड़ेगा, देखा मेरे हाथ पे हाथ रख रहा है।
खरबूजा नहीं पकड़ेगा हाथ में। संगे पकड़ो, पकड़ लो, अच्छा बच्चा पकड़ ले, पकड़ ले, शाबाश, पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले, मैं छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया, आप पकड़ा इसने, देखा हाथ में लगा रहा। बाकी नूर रसलान भाई को अल्लाह ताला की मंजिल पर खैर खैर से पहुँचाए। आज की वीडियो को मैं कर रही हूँ यहाँ पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अल्लाह हाफिज़।